हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बना रहे हैं हैदराबादी खट्टी दाल। तो सबसे पहले मैंने हाफ कप ले लिया है मूंग दाल और हाफ कप ले लिया है मसूर दाल। और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए और ये अच्छी तरीके से भीग चुकी है। दो जी, तो इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे 2 गिलास पानी के। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इमली। और इमली को मैंने भिगो दिया था, भिगो के और इसकी गुठली निकाल के और इसको छान लिया है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 से 7 टीस्पून इमली के। तो हाफ कप हम लोगों ने ले लिया है ऑयल का जी। इसके बाद हम लोगों ने ले लिया है हाफ कप फ्रेश कोरिएंडर का। इसके बाद हम लोगों ने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है और टमाटर को मैंने काट लिया है। और दो हम लोगों ने मिर्ची ले ली हैं, 2 से 3, और इनको मैंने सेंटर से काट लिया है जी। इसके बाद हाफ टी स्पून हम लोगों ने ले लिए हल्दी, 1 टेबल स्पून हम लोगों ने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, हाफ टी स्पून हम लोगों ने रेड चिली ले ली है और 4 से 5 मैंने खुश्क मिर्ची ले ली हैं जी। हाफ इसके बाद हाफ टी स्पून हम लोगों ने नमक ले लिया है। तो जी, सबसे पहले हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर लेना है और फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर हम लोगों ने रख देना है प्रेशर कुकर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रेशर कुकर, आप लोग पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देनी है दाल। आप लोग चाहें तो आप लोग 1 कप मसूर दाल भी ले सकते हैं, उसकी भी आप लोग खट्टी दाल बना सकते हैं, या 1 कप आप लोग मूंग दाल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देने हैं 2 गिलास पानी के। पानी ऐड करके अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च। और इसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। और इसके बाद हम लोगों ने एक मीडियम साइज का इसमें टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को मैंने वॉश करके और इसको काट लिया था बारीक बारीक जी। इसके बाद हम लोगों ने एक मिर्च ऐड कर देनी है ग्रीन। जो 2 मिर्चें हैं वो हम लोगों ने गार्निश के लिए रखी हैं, वो हम लोग एंड पे ऐड करेंगे। अब हम लोग प्रेशर कुकर लगा देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर मैंने खोल के और दाल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। दाल हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं इमली का पल्प। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प डाल दिया है और इसको अब हम हिला लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो हमने प्रेशर कुकर के अंदर टमाटर ऐड किए थे वो अच्छे तरीके से हमारे मिक्स हो चुके हैं और दाल हमारी एकदम रेडी हो गई है। अब हम लोग इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं और इसके बाद हाफ कप फ्रेश कोरिएंडर का डाल देते हैं। थोड़ा सा हम लोग बचा के रख लेते हैं एंड पे गार्निश के लिए। तो इसको हम लोगों ने 1 सेकंड के लिए ढक्कन दे के कुक कर लेना है। जी, 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है और जो हमारी दाल है वो रेडी हो गई है। और आप लोग चेक कर सकते हैं, हमें इसी मकदार में चाहिए थी जी। इसके बाद हम लोग तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर लिया है और उसके ऊपर रख दिया है पैन। पैन के अंदर हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर दिया है और जब ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और ज़ीरे को तकरीबन 1 सेकंड के लिए हम लोगों ने कुक कर लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसके साथ ही हम लोग ऐड कर देते हैं चिली रेड वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। और जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसका जो तड़का है वो रेडी हो जाएगा।
और इसको हला लें। और अब हम लोग इसको तड़का लगा लेते हैं दाल के ऊपर। तो जी दाल को हम लोगों ने बॉल में निकाल ली है और अब हम लोग इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। जी तड़के को हमने डाल दिया है और जो हमारी दाल है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके नीचे हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया है और आप लोगों की खट्टी दाल कैसी रेडी हुई है। और आप लोग इसे राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। आई होप आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप लोग हमें वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त। ओके बाय एंड टेक केयर।